तो आज की वीडियो में बताऊंगा नोकिया की केस स्टडी। इस वीडियो के तीन पार्ट्स हैं। पहला, नोकिया कैसे सक्सेसफुल हुआ। सेकंड, नोकिया कैसे फेल हुआ। एंड थर्ड है, कैसे उसने बैकअप किया। नोकिया सक्सेस हुआ अपनी मेहनत से, और वो फेल नहीं हुआ, उसे फेल कराया गया, उसका मर्डर हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स बताऊंगा एक एक चीज। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। नोकिया रियलिटी में कोई फेल नहीं हुआ था, उसे फेल कराया गया था, उसकी हत्या कराई गई थी। नोकिया वाज मर्डर्ड, एस्टिनेटेड। तो उसका खुलासा हुआ है पूरा, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, पूरी मेरे साथ बने रहिए इस खुलासा को जानने के लिए। 1865 में एस्टिनेट हुआ था फिनलैंड में। सो कई प्रकार की बिजनेस में था, लाइक कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी देखते देखते दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इन्होंने मोवेरा नाम की टेलीफोनिक कंपनी को सबसे पहले खरीदा। मोवेरा नाम की, याद रखिए, मोवेरा नाम की कंपनी को सबसे पहले खरीदा, जिसने इनके टेलीफोन हैंडसेट की तैयारी कराई। टेलीफोनिक हैंडसेट बनाने में इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। 1982 में इन्होंने सबसे पहला नोकिया मोवेरा सेनेटर इन्होंने बनाया, जिसे फर्स्ट कार फोन के नाम से इंट्रोड्यूस कराया, जिसका वेट करीब 10 किलो था। एंड फिर 1984 में नोकिया मोवेरा टॉकमैन बनाया, जिसे इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया फर्स्ट ट्रांसपोर्टेबल फोन के नाम से, जिसका वेट था 5 kg। अब धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे, तो धीरे धीरे वजन भी कम कर रहे थे। एंड फिर उसके बाद में 1987 में ये लेके आए नोकिया मोवेरा सिटीमैन। इन्होंने लेके आए, तो इनका सबसे बड़ा प्रॉफिट यहीं पर हुआ एंड सबसे ज़्यादा इनकी ग्रोथ होने लगी यहीं पर। और ये एक ऐसा फ़ोन था जिसे पूरे शहर में ले जा सकते थे। एंड इसका वेट था 800 ग्राम। पहला 10 किलो, दूसरा 5 किलो, फिर तीसरा 800 ग्राम का केबल। इस फोन की सेल जो थी वो एकदम अनबिलीवेबल थी, जो कि नोकिया ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फिर 1991 में पीएम हैरी हॉलकेरी, पीएम ऑफ फिनलैंड, ऐसे पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने GSM कॉल किया नोकिया के फ़ोन से। फिर 1994 में इन्होंने नोकिया 1011 लॉन्च किया। फिर धीरे धीरे ये उस नोकिया 1011 की वजह से ये यूरोप में और अमेरिका में भी फैलने लगे, वहाँ के मार्केट को भी इन्होंने पूरा कवर कर लिया। 1994 में इन्होंने नोकिया 2100 सीरीज़ लॉन्च कर दी। दिस वाज द फर्स्ट फीचर फ़ोन। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हम इस फ़ोन को 400,000 यूनिट बेचेंगे इसकी, बट वहाँ तो पूरा चेंज कर दिया इन्होंने, 2 करोड़ फ़ोन बिक गए थे। वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा कहीं तेज ग्रो कर रहे थे, बिकॉज दे वॉज अंडरस्टैंडिंग मार्केट एंड देयर नीड एंड देयर अडॉप्शन कर्व। एंड 1992 में फिर उन्होंने नोकिया ने प्रोडिक्ट किया कि मार्केट में 1999 तक 40 मिलियन हैंडसेट फैलाने का, बट मार्केट साइज तो 250 मिलियन हो गया। अब इन्होंने अमेरिका, यूरोप, रसिया, इंडिया, चाइना, बाकी पूरे एशिया सब में पकड़ बना ली थी। अब जो 50 मोस्ट सेलिंग ब्रांड्स जो होती थी वर्ल्ड में, वो टॉप 20 नोकिया के होते थे। अब मोटरोला एकदम पिछड़ गया पीछे। और 2003 और 2005 के बीच नोकिया 1110 ने 70% मार्केट कैप्चर कर लिया इंडिया में। 30% अदर्स का रह गया, 70% अकेले ने घेर लिया नोकिया ने पूरा वर्ल्ड में। नोकिया अब इनकी मेन पावर मैनुफैक्चरिंग सेटअप और प्लांट ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ता जा रहा था। मोबाइल फ़ोन का इन्होंने ऐसा कर दिया, मोबाइल फ़ोन का मतलब सिर्फ नोकिया, हर तरफ नोकिया। 2008 में 450 मिलियन हैंडसेट बेच के इन्होंने वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंच गए। लेकिन नोकिया की रिस्की स्टोरी में अब ट्विस्ट आया, अब इनको थोड़ा ब्रेक लगा, बिकॉज दूसरे लोग तो बैठे नहीं रहेंगे कि नोकिया भाग रहा है, मोटरोला, सैमसंग, ये सब बैठे रहेंगे, नहीं। फिर ट्विस्ट जो आया वो था कि अमेरिका और यूरोप में गूगल और एंड्रॉयड की एंट्री हो गई। अब इनकी वजह से नोकिया 30% गिर गया। इंटरनेशनल में गूगल और एप्पल और इधर मोटोरोला और सैमसंग अपना करने लग गए, इन्होंने अपना अलग गेम खेल दिया। इनकी वजह से नोकिया 30% गिर गया नीचे। सैमसंग और मोटोरोला ने इंडिया और चाइना में अपना गेम अलग खेला। उन्होंने क्या किया, फ्लिप फोन जो होता था, बंद खोलो बंद, वो वाला लॉन्च कर दिया। अब अमेरिका और यूरोपियन मार्केट में एप्पल, गूगल और इधर एशियन मार्केट में मोटोरोला का फोन था फ्लिप वाला कवर, वो एकदम लॉन्च हो गया। अब थोड़ा लोगों को अलग लगने लग गया, डिफरेंट लगने लग गया, खोलो बंद
तो ये नोकिया को भूल गए, अब मोटोरेजा सैमसंग के खोलो बंद उसको फिलिप को खरीदने लग गए। अब इनकी वजह से पूरा नोकिया का पूरा ही डिब्बा गोल हो गया। अब चाइनीज़ कंपनी, अब चाइनीज़ जो वक्ते जो थे आपको पता है वो नहीं शांत बैठने वाले थे, इनकी वजह से चाइनीज़ कंपनी ने इतना तेज़ मोबाइल बनाने लगी चाइनीज़ कंपनी कि जितनी देर में नोकिया सोचता था उतनी देर में तो चाइना में नया मॉडल लॉन्च हो जाता था। अब इसकी वजह से चाइना हब बन गया, मोबाइल का हब बन गया। एंड 2007 से 2008 तक एप्पल और गूगल जो कांटों की तरह 2007 से 2008 तक जो कांटों की तरह चुभ रहे थे, अब वो 2009 में और 2010 में उसे तलवार की तरह छेदने लगे नोकिया को। नोकिया पूरा घायल कर दिया। अब नोकिया बेचारा परेशान, अब क्या किया जाए। दुनिया हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ भाग रही थी, दुनिया हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ भाग रही थी और नोकिया अभी तक हार्डवेयर पर टिका हुआ था। 2010 तक एप्पल के पास 300,000 तक एप्लीकेशन बन आ गई थी और एंड्रॉयड के पास भी 225,000 तक थी, बट नोकिया अभी तक सिम्बियन को लिए हुआ था। सिम्बियन के पास 20,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं थी, 20,000 से कम ही थी। अब जो इंटरेस्ट आया स्टोरी में, नोकिया की फेलियर अब यहाँ से की गई, इन लोगों ने मिलकर अब नोकिया को कैसे एकदम नीचे गिराया, बहुत ज़्यादा नीचे गिरा दिया, पूरा नोकिया को बैठना ही पड़ा, नोकिया को पूरा एकदम शांत कर दिया। नोकिया बहुत ज़्यादा उछल रहा था, वो सब नीचे बैठा लिया इन्होंने। तो नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा हाउ नोकिया वॉज मर्डर्ड बाई इंटेलिजेंस।